देश में अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो गया है। ऐसे में भारत सरकार द्वारा क्रमानुसार धीरे धीरे बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं, ताकि एक बार फिर से एहतियात बरतते हुए पब्लिक सेवाएं शुरू की जा सके। इसी कड़ी में भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा आगामी 21 सितंबर से समूचे देश में 20 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के निदेशक BS गिल ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा आगामी 21 सितंबर से समूचे देश में 20 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में अंबाला छावनी से 3 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसमें 046-5354 न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर, 046-5152 जयनगर से अमृतसर और 090-2526 बांद्रा से अमृतसर मुख्य रहेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों के बहुत कम ठहराव होंगे। इसके अलावा इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाकर ही यात्री सफर कर सकते हैं। इनमें जनरल टिकट बुकिंग नहीं होगी। साथ ही इन ट्रेनों में 18 यात्री डिब्बे होंगे और इनमें सफर करने के लिए यात्रियों को बाकी ट्रेनों के मुकाबले अधिक किराया देना होगा। मैं वो बता रही हूँ किन किन रूट पे हो सकता है। तो देखिए अभी 21 तारीख से जो क्लोन ट्रेन चलाई जा रही है उसमें अंबाला को हमारे पास 3 ट्रेन हैं, मतलब 3 पेयर हैं जो अप एंड डाउन करेंगी। उसमें एक गाड़ी है आपकी 046-5354 जो न्यू जलपाईगुड़ी से अमृतसर जाती है और दूसरी गाड़ी है 046-51 जयनगर अमृतसर 52। तीसरी गाड़ी है 090-25 जी जो बांद्रा से अमृतसर जाएगी 2526 का पेयर है। 3 गाड़ियाँ क्लोन स्पेशल में मिलेंगी जिनके स्टॉपेजेस भी कम होंगे, लिमिटेड स्टॉपेजेस होंगे और इनका जो है वो जो रश है पब्लिक को उसको हटे करने के लिए स्पेशल ट्रेन चाहिए। अभी फिलहाल 14 ट्रेन निकल रही हैं हमारे यहाँ से, अभी और बढ़ जाएंगी धीरे धीरे, ओपन होने की संभावना है। सर ओनली जो कंफर्म टिकट पैसेंजर है वही ट्रैवल कर सकता है रिजर्वेशन पे। जनरल टिकट अभी नहीं बिक रही है, कोई भी जनरल सवारी बगैर रिजर्वेशन के नहीं जा सकती मैडम। तो ऑनलाइन भी हो रही है, मैनुअल भी हो रही है, हमारी रिजर्वेशन PRS सेंटर्स पर भी हो रही है, वो सब ओपन है हमारे।